यदि हम हमारी संतानों को धर्म सिखाने में विफल रहे तो वो लोग आपकी संतानों को अधर्म सिखाने में सफल हो जाएंगे। कोई भी राष्ट्र आक्रांताओं से युद्ध हारने के नाते नष्ट नहीं होता। यदि राष्ट्र नष्ट होता है तो उसकी संस्कृतियों के नष्ट होने से। कोई भी समाज खराब परिस्थितियों का सामना तब करता है जब अपने पूर्वजों द्वारा किए हुए बलिदानों को और पूर्वजों द्वारा दिए हुए ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में विफल रहता है। इतिहास हमेशा से साक्षी रहा है कि जब भी आने वाली संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को हम लोगों ने हमारे पूर्वजों द्वारा दिए हुए विज्ञान और ज्ञान को सही अर्थ में पहुंचाया, तो एक सही समाज की संरचना हुई, निर्माण हुआ। हमने स्पिरिचुअल लीडरशिप टेंपल मैनेजमेंट के माध्यम से भारतवर्ष की धरोहर, हमारे ज्ञान की गंगोत्री, वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य जैसे अनेकों ग्रंथों के बारे में विद्यार्थियों, प्रोफेशनल्स, अध्यापकों, समाज के विभिन्न वर्गों तक कैसे वो ज्ञान पहुँचे ये सुनिश्चित करने का पूरा प्रयत्न किया है। हमने पूरा प्रयत्न किया है कि देश और दुनिया के जाने माने लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों, मनीषियों और इन विषयों पे जिन लोगों ने अनंत समय से लगातार कार्य किया है और राष्ट्रपति पुरस्कार तक प्राप्त किया है, देश और दुनिया में जिनके ऊपर आज पीएचडी के विद्यार्थी रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे लोग धर्माचार्य, आचार्य जिन्होंने विषयों में अपनी एक अटूट श्रद्धा के साथ में खूब अंदर जा कर के ज्ञान को प्रफुल्लित किया है, प्रज्वलित किया है, ऐसे अनेकों ज्ञानियों से, विद्वानों से, मनीषियों से ज्ञान प्राप्त करने का एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, एक ऐसी जगह प्राप्त हो जहां से सारे ज्ञान के सोर्स मिल सकें, ऐसा ये पीजी डिप्लोमा इन स्पिरिचुअल लीडरशिप एंड टेंपल मैनेजमेंट कोर्स हमने प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने हर एक उन बिंदुओं को ध्यान में रखा है जो आने वाले पीढ़ियों को आयन सैकड़ों वर्षों तक भारतवर्ष में हमारी पुरानी परंपराओं को सही अर्थ में जीवित रखेंगे। इसीलिए चाहे वो फलाहार बनाने की कला हो, चाहे मंदिरों के पीछे का विज्ञान हो, मंदिरों में जाने से पूर्व हमारी क्या पूर्व तैयारियां होनी चाहिए, हमारे वो कौन से धर्म ग्रंथ हैं, चाहे ज्योतिष है या वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है अथवा तो समुद्र शास्त्र है, इनके बारे में भी विधिवत ज्ञान देने की हमने पूरी कोशिश की है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग भी इस कोर्स को अटेंड करेंगे और जिन्होंने भी इस कोर्स को अटेंड किया है, उनको न कि सिर्फ भारतीय धर्म ग्रंथों के बारे में एक समुचित अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होगा, बल्कि अपने आप को मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आत्मीय तौर पर और पारिवारिक तौर पर और ज़्यादा सुदृढ़ होने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। इस अध्ययन के माध्यम से हम सिर्फ ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुँचाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको ज्ञान के समुद्र में ले जाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे आप न कि सिर्फ अपने आप को लाभान्वित करें, बल्कि आने वाले समय में आपके आसपास चाहे परिवारजन हो, चाहे आप किसी भी सामाजिक स्तर पर लोगों से जब आप इंटरेक्शन करते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं, लोगों से आप किसी भी तरह का संवाद करते हैं, तो यह ज्ञान चाहे भगवद गीता से निकला हो या श्रीमद्भागवत से, या तो वो विदुर नीति से निकला हो या चाणक्य नीति से या शुक्र नीति से, ये ज्ञान आपको खूब मदद रूप होंगे। मुझे विश्वास है कि पीजी डिप्लोमा कोर्स जो हम लोगों ने स्पिरिचुअल लीडरशिप एंड टेंपल मैनेजमेंट रन किया है और जो प्रारंभ किया है, इसका आप पूरा फायदा लेंगे और सिर्फ अकेले नहीं, उन सभी लोगों को इसके लिए जागृत करेंगे जो आने वाले समय में भारत निर्माण की प्रक्रिया में अपना योगदान देना चाहते हैं, माँ भारती को विश्व गुरु बनाने की दिशा में ले जाना चाहते हैं। आप उन सबको इसमें इस सिद्धांत के आधार पर परम विद्वान, विनम्र, निरभिमानी एवं
उस श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता जिस श्रीमद् भगवत महापुराण की रचना के पूर्व 17 पुराणों की रचना भगवान वेदव्यास ने की, तो श्लोक स्वयं में वेद मंत्र से भी बढ़कर है। इसीलिए श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही यह श्लोक दिया गया है, यं प्रवर्यन्तम् अनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहता तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनिरुक्तम् सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस दिन दिन घोष के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का श्री गणेश किया गया है। वह भी कथा चारों पीठों के शंकराचार्यों में सर्वश्रेष्ठ, जो पश्चिमान्नाय साम वेद, जिस पीठ का वेद साम वेद है, उस साम वेद के साम वेद भवन में और भारत के चारों शंकराचार्यों के सर्वश्रेष्ठ शंकराचार्य प्रथम आमनाय शारदा पीठ के इस साम वेद भवन में इस कथा का आयोजन जिस यज्ञ